नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर लखनऊ से, जहां बढ़ते डेंगू के प्रकोप और अस्पताल की लापरवाही के कारण 12वीं के होनहार छात्र श्रेयांश श्रीवास्तव ने दम तोड़ दिया। राजधानी लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र के श्रीनगर कॉलोनी निवासी मृतक के पिता प्रदीप श्रीवास्तव के मुताबिक उनके बेटे श्रेयांश श्रीवास्तव का जन्मदिन 23 सितंबर को था। अचानक हल्का बुखार आने पर आसपास से ही दवा दिला दी, फिर जब आराम नहीं मिला तब परिजनों ने बुखार पीड़ित को बलरामपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां पिता का आरोप है कि डॉक्टरों ने उनके बेटे के इलाज में घोर लापरवाही की, जिसके बाद परिजन बच्चे को मेदांता अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान 18 वर्षीय होनहार छात्र की मौत हो गई। इस मामले पर मृतक के पिता ने क्या बीती सुनाई, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है आपके बच्चे के साथ? मेरा नाम प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, मेरे बेटे का नाम श्रेयांश श्रीवास्तव, 18 साल उम्र थी उसकी। घटना है कि एक दिन बुखार आया, 22 तारीख को बुखार आई है तो दवाई यहाँ डॉक्टर से दिला दिया गया था। बुखार 23 तारीख को ठीक हो गया था, बुखार में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 23 तारीख उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया, कहीं से कहीं बीमार नहीं दिख रहा था। 24 तारीख को वीकनेस लगा, शाम को मैंने पैथोलॉजी जांच कराई तो प्लेटलेट 19,000 आ गया था। 19,000 आने पर मुझे थोड़ी घबराहट हुई तो मैं सीधे बलरामपुर अस्पताल ले गया और इमरजेंसी में उसे भर्ती कराया। हमने बोला प्लेटलेट चढ़ा दीजिए सर, प्लेटलेट रिपोर्ट में कम दिख रहा है, लेकिन उन्होंने प्लेटलेट नहीं चढ़ाया, सिर्फ एडमिट कर लिया, एक कोई ड्रिप चढ़ाया, एक दो इंजेक्शन लगाया और रात भर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। रात के उसको अब प्रॉब्लम बढ़ती रही, पेट में दर्द होता रहा, मैं पर डॉक्टर जो वहाँ उस समय अवेलेबल थे उसको बोलता रहा, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया। सुबह उसके हाथ पाँव ठंडे होने लगे, 25 तारीख को सुबह हाथ पाँव ठंडे होने लगे तो मैं फिर दौड़ गया डॉक्टर के पास, बोला तो डॉक्टर ने दौड़ के आए देखे, जूनियर डॉक्टर ने कहा बीपी नहीं मिल रही है, पल्स नहीं मिल रहा है। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है बीपी पल्स न मिल रहा हो, फिर से चेक करिए, क्योंकि रात में बीपी पल्स सब कुछ चेक किया गया था, बिल्कुल नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर सब कुछ कर ले रहा था, चल रहा था, आ जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। 25 तारीख को सुबह डॉक्टर बोले क्रिटिकल कंडीशन हो गई है और उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट किया और अपने ढंग से जो भी कुछ इलाज कर रहे थे वो कर रहे थे, जो कि उस लेवल का इलाज बाद में पता चला कि नहीं हो रहा था। वो सिर्फ मुझसे ये बोल रहे थे कि डॉक्टर विष्णु कि आप मेदांता, हम मेदांता की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कहीं भी ले जाइए, मैं कैजमेट प्रीफर करूँगा, आपको जहाँ मन करे वहाँ। मैं मेदांता भी डॉक्टर से उनका बात कराना चाह रहा था, पोजिशन जानना दिल्ली मैदानता वाले जानना चाह रहे थे बच्चे की पोजीशन क्या है, लेकिन वो बात नहीं करने के तैयार थे, ना ही रिपोर्ट देने के लिए तैयार, जिससे कि वो एम्बुलेंस लेकर। मतलब आप यहाँ से बलरामपुर से मैदानता ले गए, बलरामपुर में आपका इलाज सही से नहीं हुआ? इलाज सही से नहीं हुआ, डॉक्टर कहने लगे आपको जहाँ ले जाना ले जाइए, सुबह ही जैसे ही तबीयत खराब उन्होंने कहा आप जहाँ चाहें वहाँ ले जाइए। इलाज करने के बजाय उन्होंने स्टार्ट कर दिया बोलना कि आपको ले जाना ले जाइए। उसके बाद घटना क्या हुई? उसके बाद बहुत जद्दोजहद के बाद मेदांता हम लोग को ले गए। मेदांता ले जाने से पहले कि मैं बताना चाहूँगा वहाँ की लापरवाही थोड़ी सी, कि डॉक्टर से हम लोग ने इलाज के लिए बोलते रहे, वो इधर उधर टहलते रहे, हम लोग से बोलने लगे परिजनों से कि आप डॉक्टर हैं कि हम डॉक्टर हैं। यूरिन नहीं हो रहा था, यूरिन की नली लगाने के लिए उन्होंने वाइफ को से भी लड़ाई कर लिया कि आप क्या जाने कैसे होता है, हम हैं इलाज कर रहे हैं ना। वाइफ ने कहा नहीं, उसको जो भी कैसे करके यूरिन कराइए, तो उन्होंने मेरे से पहले पेपर में साइन कराया तब यूरिन में के लिए। कौन सा डॉक्टर इलाज कर रहे थे? डॉक्टर विष्णु बताया गया था नाम मुझे कि डॉक्टर विष्णु आइए, और वहाँ पर इलाज के नाम पर ऐसे कोई कुछ हो नहीं रहा था। हम लोगों ने मेदांता ले जाने के लिए उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डॉक्टर से एक बार वहाँ पर बात कर लीजिए, जिससे कि वो कंडीशन जान जाए। उस टाइप के एम्बुलेंस को लेके आना चाह रहे थे, कितनी क्रिटिकल है उतना ही वो एम्बुलेंस में सर्विसेज वो देंगे, लेकिन ये बात नहीं कर रहे थे। किसी तरह से बात किया, रिपोर्ट भेजा उनको, तो उन्होंने बोला अगर स्टेबल हो कर लेते हैं वहाँ के डॉक्टर तो ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं स्टेबल नहीं कर पाऊँगा। हमने अपने रिस्क पे, उन्होंने बोला कि ये रिस्क होगा कि एम्बुलेंस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क है, आप ले आइए, मैं अपने रिस्क पे आपको एम्बुलेंस बैठने के तैयार हूँ,
उन्होंने मेरे रिस्क पे एम्बुलेंस में लेकर मेदांता गया और मेदांता के डॉक्टर लोगों ने वहाँ पे इलाज शुरू किया, डायलिसिस वगैरह करना जो भी प्रक्रिया थी उन्होंने किया, लेकिन बचा नहीं पाए मैंने अपने बेटे को। अगर ये शुरू में इलाज हो गया होता बलरामपुर में ही रात में ही, तो शायद ये कंडीशन न आती दोबारा। बेटा इंटर में था, क्या सपना था इस बच्चे का, क्योंकि अभी इसका 3 दिन पहले जन्मदिन भी था। मेरे बेटे का 23 सितंबर को जन्मदिन था, अच्छे से जन्मदिन मनाया गया, कोई परेशानी नहीं हुई। बेटा मेरा इंटर का बोर्ड के परीक्षा की तैयारी कर रहा था DPS जानकीपुरम ब्रांच से, साथ में वो IIT की तैयारी कर रहा था, इंजीनियर बनना चाहता था। वो हमेशा मुझसे बोलता था कि पापा मैं इंजीनियर बनूंगा तो मैं देश में इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो इंजीनियर लोग को करना चाहिए, मैं उस देश को जिस देश में रहता हूँ उस देश के लिए ऐसे इंजीनियर बनके मैं बहुत सारे कार्य करूँगा जिससे कि हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा हो और देश आगे बढ़े, जैसे कि विदेशों में बहुत सारे लोग बताते हैं अच्छा होता है, हमारे देश में भी होगा। सरकार से किसी प्रकार की कोई मांग की है, किसी कार्रवाई को लेकर के कोई पत्र? उत्तर प्रदेश के सरकार से मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे स्टाफ जो कि बलरामपुर में बैठे हुए हैं जो कि पेशेंट का इलाज करने के बजाय उन्हें सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है, अस्पताल की छवि खराब हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं कि मुख्यमंत्री इस तरह के डॉक्टर को जो भी अपना निर्णय ले सके सजा देने के लिए कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी भी बातें हैं जो मुख्यमंत्री जी से मैं चाहूँगा कि मिले, मैं मिलना चाहूँगा उनसे और उनसे और भी बहुत सारी बातें बताना चाहूँगा और अपनी व्यथा कुछ है जो बताना चाहूँगा, ताकि भविष्य में ऐसे किसी परिवार का इस तरह का जैसा मेरा परिवार उजड़ गया उस तरह किसी का परिवार का उजड़े ना, नुकसान ना हो। आप इनके पड़ोसी हैं, आप भी साथ में गए होंगे अस्पताल में, कैसा मंजर रहा वहाँ के लोगों के व्यवहार कैसा रहा? बहुत ही खराब मंजर रहा, हम लोग सुबह बाहर खड़े हुए थे, बच्चा ICU में एडमिट था, उसी के इंतजार कर रहे थे कि स्वस्थ हो जाए, लेकिन जब स्वस्थ नहीं होने की स्थिति आई तो मेदांता अस्पताल से जो है प्रदीप श्रीवास्तव जी ने बात किया और वहाँ से एम्बुलेंस बुलाई। डॉक्टरों से बात के बाद में एम्बुलेंस जब आई तो उस समय पर गार्ड द्वारा जो है वो बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया और एम्बुलेंस को वार्ड के पास खड़ी नहीं करने दिया और उसको ले जा करके गेट के बाहर कर दिया। हम लोग उससे अन्य विनय करते रहे, हाथ जोड़ते रहे और कहते रहे कि भैया थोड़ी देर रुक जाइए, बच्चा अंदर से बाहर आ रहा है और वो चला जाएगा, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो यहाँ से बाहर तक जा सके। लेकिन उसने कहा कि नहीं, गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी हो सकती है, और गाड़ी जब तक वो खड़ी रही वो वहीं खड़ा रहा और गाड़ी को ड्राइवर सहित बाहर कर दिया और गेट के बाहर गाड़ी ले करके चला गया। हम लोग काफ़ी देर परेशान रहे और हमारे एक साथी द्वारा जो है विभागी किसी व्यक्ति से बात करके गार्ड से बात कराना चाहा कि आप बात कर लीजिए, बात करना चाहते हैं, उसने कहा मुझे किसी से बात, कुल मिलाकर गार्ड की मनमानी रही जी, और कुल मिला के उसने पूरी मनमानी किया और ये बताया कि ये मेरा पावर है, इस पावर का मैं उपयोग कर रहा हूँ। लखनऊ से CNews संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखा जाए तो लखनऊ में इन दिनों डेंगू और कई और बुखारों का आतंक ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि इस तरीके की दुखद घटना ना घटे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए CNews भारत।